दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सपने में अगर आप ईद का नमाज होते हुए देखते हैं तो ये किस तरह का सपना है। ये अपने आप में खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सपना होता है और बाकी के लोग देखते हैं तो उनके लिए कोई खास बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग जब इस प्रकार के सपने को देखते हैं जिसमें सपने में वो ईद का नमाज होते हुए देखते हैं तो इसका साधारण सा मतलब है कि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने वाली है और उनके जो मजहब के प्रति उनका जो लगाव है वो बढ़ने वाला है। सपने में ईद का नमाज होते हुए देखना और ये संकेत करता है कि आपको अपने मजहब, अपने धर्म, अपने रिलीजन के लिए जो आपके मन में प्यार है, आपके मन में उसके लिए जो लगाव है वो बढ़ने वाला है। इस तरह का सपना ये भी संकेत करता है जब आप सपने में ईद के नमाज को होते हुए देखते हैं तो ये सपना आपको ये भी बताता है कि इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के रूप में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है प्रेजेंट टाइम में, तो वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी वो आपकी ठीक होने वाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की कमी, ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी आने वाले समय में ठीक होने वाली है। उसके साथ ही ये सपना आपको ये भी बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी जो फैमिली में अभी अनबन चल रही है या फैमिली के सदस्यों के बीच जो प्यार आप एक्सपेक्ट करते हैं वो प्यार आपको कहीं ना कहीं फैमिली के सदस्यों के बीच नहीं देखने को मिलती है, तो वो भी ठीक होने वाला है। बाकी दूसरे रिलीजन के लोग इस तरह के सपने देखते हैं तो उनके लिए कोई खास सपना महत्व नहीं रखता है, साधारण सा सपना होता है।